जो कि आपने अपने प्रीवियस क्लासेस क्लास वन में भी पढ़ा होगा, क्लास टू में भी और क्लास थ्री में भी पढ़ा होगा. दिस इज वेरी नोन टॉपिक फॉर यू, ये आपके लिए बहुत जाना पहचाना टॉपिक है. तो सबसे पहले हम लोग आते हैं नाउन के बारे में जानेंगे और उसके डेफिनेशन के बारे में कि नाउन होता क्या है. ये तो आप पहले से जानते हो बट मैं फिर भी आपको बता दूं कि नाउन इज द नेम इज अ वर्ड दैट इज यूज टू नेम अ पर्सन प्लेस एनिमल और अ थिंग. कि नाउन ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी पर्सन प्लेस एनिमल या फिर थिंग को नाम देने के लिए होता है. नाउन को हम कहते हैं नाम वाले शब्दों को भी नाउन कहते हैं यानी संज्ञा कहते हैं. ठीक है, तो नाउन को हम लोग नेमिंग वर्ड्स से कहते हैं. एग्जाम्पल आप इसको एग्जाम्पल से करिए भी देख सकते हो कि सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया. यहाँ पे आप देखो कि सुभाष चंद्र बोस दिस इज द नेम ऑफ अ पर्सन, जो कि एक पर्सन का नेम है तो ये क्या है, एक नाउन. क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि नाउन जो होता है ऐसे शब्दों को कहते हैं जो किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान और जगह चीज के नाम को बताता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो नेम है एक पर्सन के लिए है. सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे देखो प्लेस का भी नेम दिया है. इंडिया, इंडिया क्या है, एक जगह का नाम है, तो इंडिया भी क्या है, एक तरह का नाउन है. नेक्स्ट क्या है, गोल्ड इज अ कॉस्टिंग मेटल. यहाँ गोल्ड और मेटल दोनों में क्या है, थिंग्स है. तो किसी भी चीज का चाहे वो नाम हो जाए तो वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है. इसके बारे में आपको बहुत ही आप लोग पहले से जानते होंगे नाउन के बारे में. अब हम लोग आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की कितनी काइंड्स होते हैं. पहले क्लास में आप लोग थ्री काइंड्स पढ़े हो, प्रॉपर कॉमन और कलेक्टिव नाउन. बट अब हम लोग पढ़ेंगे कि नाउन के जो होते हैं फाइव काइंड्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट. अब वन बाय वन हम लोग इन सारे नाउन्स के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज प्रॉपर नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, व्हाट इज मटेरियल नाउन एंड व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो फर्स्ट प्रॉपर नाउन. ओके, प्रॉपर नाउन सब स्पीशीज मींस इट इज अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस एनिमल्स और थिंग्स. दे ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट प्रॉपर नाउन टू पर्टिकुलर मीन्स खास. प्रॉपर नाउन जो है किसी भी खास व्यक्ति वस्तु और स्थान की चीजों के नाम को कहते हैं. ठीक है, उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं. जैसे कि देखिए यहाँ पे एक पर्सन, उस पर्सन को खास नाम क्या है, मिस्टर रवि. हम जानते हैं पर्सन तो बहुत होते हैं, हम सबको जैसे जितने ह्यूमन होते हैं आम पर्सन, बट नाम होता है. जैसे यहाँ मिस्टर रवि है, इनका एक पर्टिकुलर नेम, तो ये क्या है, प्रॉपर नाम है. जैसे यहाँ एक बुक शॉप है, मार्केट जाओगे तो बहुत सारे बुक शॉप होंगे, बट अगर तुमको किसी एक पर्टिकुलर बुक शॉप में जाना है तो यू नो कि उस बुक का अपना नेम क्या होना चाहिए, तो वो उसका प्रॉपर नेम होता है यानी खास नाम होता है. जैसे यहाँ पे बालाजी बुक्स है, वहाँ डॉग डॉग्स का प्रैक्टिस में बहुत सारे शब्द बोले जाते हैं, बट आप अपने घर के एक डॉग रखते हो और उसको एक नेम प्रोवाइड करते हो क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत खास होता है. तो यहाँ पे डॉग क्या है, रॉनी, तो वो खास नाम क्या है, रॉनी. तो ये खास नेम को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं. और प्रॉपर नाउन जो होता है ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है, ये याद रखिएगा. नेक्स्ट है आपका कॉमन नाउन. कॉमन नाउन किसको कहते हैं, तो कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एनी एंड एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड. ठीक है, एक ही तरह के बहुत सारे अगर मान लीजिए पर्सन है या थिंग है तो वो एक ही तरह के, तो उनके जो ग्रुप्स होते हैं उनको एक जो कॉमन नेम देते हैं उसी को हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन, यानी आम नाम देना उसका. जैसे कि डॉग्स है, तो वो डॉग्स जो है तो उनका तो बहुत सारे हम लोग डॉग्स देखे. ठीक है, तो उनके ग्रुप, उन सारे डॉग्स के ग्रुप के लिए हम लोग वो नेम देते हैं डॉग, तो वो उनका
स्कूल्स आप देखें, बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, आपका स्कूल है डिवाइन इनिशिएटिव स्कूल है, ब्रश किशोर है, तो ये सारे स्कूल्स हैं। लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर डिवाइन इनिशिएटिव स्कूल बोले तो ये खास नाम हो गया, लेकिन जब सब स्कूल के लिए कॉमन एक आम नाम देते तो हम स्कूल बोलते हैं, तो वो क्या है, एक कॉमन नाउन होता है। उसी तरह टीचर्स, आप अपने अलग अलग टीचर्स को अलग अलग नाम से जानते होंगे, लेकिन उन सबके लिए अगर सिर्फ आपको बोला जाए तो एक टीचर बोलते हैं, तो टीचर क्या है, एक कॉमन नाउन है। तो ये आपको कॉमन नाउन है कि कोई भी पर्सन या थिंग अगर सेम क्लास का हो, एक ही प्रकार का हो, तो उसके लिए जो आम नाम देते हैं, कॉमन नेम जो देते हैं, उसी को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी प्रॉपर और कॉमन नाउन के बीच में अगर डिफरेंसेस को जानने के लिए मैंने आपको एक एक्सरसाइज दिया है जो कि आपको बनाना है, ठीक है। इसमें आपको प्रॉपर और कॉमन नाउन को सेपरेट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए राज है और यहाँ आपका राज है, ओके, उसके बाद ये आपका खाओ है, ठीक है। तो आपको इसमें से बस सेपरेट करने की कॉमन कौन है और प्रॉपर कौन है। जैसे राज है तो वो किसी खास पर्सन का नेम हो गया, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। काउ तो सारे काउ ग्रुप्स के लिए एक काउ नेम हो गया, तो वो कॉमन नेम हो गया, ओके। तो इस तरह से आपको इसमें प्रॉपर और कॉमन नाउन को क्या करना है, सेपरेट करना है। ये वर्क आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है, ओके। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं, तो कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ थिंग्स और पर्संस ऑफ द सेम काइंड टेकन टुगेदर एंड डिस्क्राइब एज वन होल। देखो कलेक्टिव नाउन होते हैं कि वो पर्संस या फिर जो थिंग्स उनका कलेक्शन, और जब वो कलेक्ट करके उनको एक नेम देते हैं, उनके कलेक्शन को जो एक नेम देते हैं, उसी को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे बहुत सारे चाबियां होती हैं, उन चाबियों का ग्रुप्स होता है, ठीक है। तो उन चाबियों यानी कीज के उस ग्रुप को हम लोग नेम देते हैं बंच, अ बंच ऑफ कीज, ठीक है। तो यहाँ बंच क्या है, कलेक्टिव नाउन है, कि चाबियों का गुच्छा। उसी तरह बंच ऑफ ग्रेप्स भी कहते हैं हम, यानी अंगूरों का गुच्छा। तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। उसी तरह शिप जो कि एक कॉमन नाउन है, इस शिप का जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप को, इसके एक कलेक्शन को जो नाम देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लॉक। तो अब फ्लॉक ऑफ शिप, तो फ्लॉक क्या क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह आपकी बुक्स में बहुत सारे कलेक्टिव नाउन है, उसको और इसको फील कर सकते हैं, ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको ना हम लोग
सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जैसे जॉय, जॉय का उल्लास, खुशी, खुशी को हम लोग महसूस कर सकते हैं ना, या अनहैप्पी जॉय क्या है, जॉय इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ग्रीफ, उदासी, इसको आप देख सकते हो, नहीं देख सकते, मैनिफेस्ट कर सकते, बट इट इज अ फीलिंग, इसलिए क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी, ईमानदारी, इट इज ऑल्सो फीलिंग। लाफ्टर, इट इज काइंड ऑफ एन एक्शन, यानी कि लाफ्टर क्या है, एक एक्शन है, तो ये क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाइल्डहुड, बचपना, इट इज अ स्टेट, ये कंडीशन की बचपना होता है। ठीक है, तो चाइल्डहुड ये तो क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको मैनिफेस्ट किया जा सकता है, मैनिफेस्ट किया जा सकता है, वी कैन बी थिंक ऑफ, इसको हम लोग सोच सकते हैं और इसको हम लोग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ आर्ट्स और साइंस जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ग्रामर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, म्यूजिक, ये सब भी क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आते हैं। ठीक है, बिकॉज ग्रामर, दिस इज नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का नेम है, बट इट कैन बी कॉल्ड, ओके, ग्रामर बुक हम लोग टच कर सकते हैं, बट ग्रामर वो क्या है, नेम ऑफ सब्जेक्ट का, विच कैन बी कॉल्ड और सीन, इट इज ओनली, ये क्या है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाता है। ओके, तो ये आपके टोटल थे फाइव काइंड्स ऑफ नाउन। इस फाइव काइंड्स ऑफ नाउन के अलावा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि इन सारे नाउन्स को जो है दो और टाइप्स ऑफ नाउन्स में बांटा गया, अकॉर्डिंग टू कि अगर हम लोग उस नाउन्स को काउंट कर सकते हैं या नहीं काउंट कर सकते हैं उसके बेसिस पे, और उसके बेसिस पे दो तरह के नाउन्स होते हैं, विच इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल आप नेम से नहीं जानो, काउंट, काउंट करना मतलब गिनना, तो ऐसे नाउन्स जिनको हम लोग काउंट कर सके, यानी जिसको गिन सके और गिन के बता सके कि उसका नंबर यानी उसकी संख्या कितनी है, तो उसे हम लोग काउंटेबल नाउन्स। तो द नाउन्स व्हिच कैन बी काउंटेड टू टेल द नंबर, ऐसे नाउन्स जो कि काउंट किए जा सकते हैं, उनके नंबर्स को बताने के लिए, उनकी संख्या को बताने के लिए, उसको हम लोग काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। जैसे बुक, सिटी, गर्ल, इन सब की संख्या को आप बता सकते हैं, वो काउंट कर सकते हैं। एक और चीज की काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं, इनको हम लोग सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि बुक है, तो अगर एक बुक है तो हम वन बुक कहें, लेकिन अगर बहुत सारे बुक हैं तो हम लोग मेनी बुक्स कहते हैं। इट कैन बी चेंज फ्रॉम सिंगुलर इनटू प्लूरल। ओके, दूसरी बात ये कि कॉमन नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं वो इस काउंटेबल नाउन्स में इंक्लूडेड होते हैं। जैसे देखिए बुक है ना, आप जानोगे बुक काउंटेबल नाउन्स भी है, लेकिन बुक और क्या है, कॉमन नाउन भी है, यानी सारे बुक के लिए एक नाम दिया गया कि बुक है वो, तो बुक क्या है, कॉमन नाउन भी है, तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो सारे काउंटेबल नाउन्स में इंक्लूडेड होते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, काउंट करके उनकी संख्या नहीं बता सकते, लेकिन उनकी क्वांटिटी को, उनकी मात्रा को बताया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं वाटर, ठीक है, ऑयल, सुगर, तो ये सब ऐसे नाउन्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, लेकिन मात्रा तो बता सकते हैं। जैसे वाटर के लिए बोल सकते हैं कि ग्लास ऑफ वाटर, यानी एक ग्लास पानी, उसकी मात्रा बता रही कि उस एक ग्लास में पानी है, ठीक है, ऑयल, इसकी भी मात्रा बता सकते हैं, सुगर, जैसे 1 किलोग्राम सुगर, 1 केजी सुगर, तो ये हम लोग इसकी क्वांटिटी को बताए, बट हम लोग एक सुगर, दो सुगर कभी गिनते हैं, एक चीनी, दो चीनी, ऐसा नहीं होता है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते उनकी संख्या बताने के लिए, और अनकाउंटेबल नाउन्स को हम लोग सिंगुलर से, अनकाउंटेबल नाउन्स को हम लोग प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते, वो खुद पे खुद में एक प्लूरल्स होते हैं, तो उनको हम लोग प्लूरल्स में चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद ये आता है कि जो भी मटेरियल नाउन्स होते हैं और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो सब अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, जैसे
वाटर, वाटर क्या है? एक मटेरियल नाउन है. ऑयल क्या है? मटेरियल नाउन है. शुगर, तो ये सब क्या है? ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स है, यानी मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स में आ जाते हैं. जैसे ऑनेस्टी, उसको हम लोग गिन तो नहीं सकते, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो अनकाउंटेबल नाउन्स में आ सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा था काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स. ऑन द बेसिस के हम लोग नाउन को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं या नहीं. स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा. एंड यू हैव टू डू वन मोर वर्क. आपको एक और काम करना है कि आपको इस चैप्टर का बुक वर्क कंप्लीट करना है, एंड कंप्लीट करके उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है. बाकी इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल होगा. और एक और चीज, जो भी आपको एक्सरसाइज इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लीज उसको अपनी कॉपी पे आप लोग उसको बनाइए. ओके, इट इज नॉट ओनली फॉर सेम पर्पस, वो सिर्फ देखने के लिए नहीं, इसको बनाने के लिए भी दिया जा रहा है. तो जो भी वीडियो में बीच बीच में आपको एक्सरसाइजेस दिए जा रहे हैं उसको आप पॉज कीजिए और उसको आप अपने नोटबुक में मेंशन करके सॉल्व कीजिए. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू.